अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे थे सेल साइकिल। उसमें हमने कैरियोकिनेसिस साइटोकिनेसिस को डिस्कस कर लिया था। हमने देखा कि सेल 1 से 2 के अंदर किस तरह से डिवाइड होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के हमारी बॉडी में क्या फ़ायदे हैं या प्लांट की बॉडी में क्या फ़ायदे हैं। लेक्चर नंबर 38, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है, ये हमारे पास डॉटर सेल है, तो जो डॉटर सेल बनते हैं, सपोज पेरेंट सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ईच डॉटर सेल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। ये माइटोसिस के जरिए से होता है। माइटोसिस इसको मेंटेन रखती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आगे भेजती है। दैट इज़ डन बाय माइटोसिस। तो ये सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है कि दैट आर इक्वल इन नंबर। जो डॉटर सेल होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं पेरेंट सेल से इक्वल होते हैं। दूसरा, इनकी कंपोजिशन भी सेम होती है एज लाइक टू पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम की कंपोजिशन होती है, वही डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की कंपोजिशन आती है। तो ये दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल सेट एज इन द पेरेंट सेल। डॉटर सेल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल सेट। ईच डॉटर सेल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर अलाइक। इन कंपोजिशन भी उनकी सेम होती है, उसके अलावा उनके नंबर भी सेम होते हैं एज टू द पेरेंट सेल। तो ये फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है। सेकेंड सिग्निफिकेंस देखते हैं कि सेकेंड माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। डियर स्टूडेंट, सेल रिप्लेसमेंट किसको कहा जाता है कि जब एक सेल की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पर दूसरा सेल आ जाना, ये कहलाता है सेल रिप्लेसमेंट। अब जो न्यू सेल बनकर आता है दैट इज ऑल्सो अब डन बाय माइटोसिस। हम एक्सपोज करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो रेड ब्लड सेल इस तरह से होते हैं कि 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल की ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है। अब जो न्यू रेड ब्लड सेल बनता है माइटोसिस के जरिए से बनता है, जो न्यू सेल बनता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। जैसा पहले वाला सेल होता है रेड ब्लड सेल, एज इट इज़ सेम वही सेल बन जाता है, उसी तरह का सेल न्यू बन के आ जाता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। तो ये जो चेंजेस का ना आना होता है ये माइटोसिस के जरिए से है, ठीक है। तो ये जो रेड ब्लड सेल की एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। सम बॉडी पार्ट्स सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लग्ड ऑफ का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, एंड रिप्लेस बाय न्यू वन, फिर उसी जगह पर न्यू सेल आ जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो डन बाय माइटोसिस। इसके अंदर क्या होती है जी, माइटोसिस होती है, और एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं। जैसे मैंने आपको रेड ब्लड सेल की एग्जांपल दी है कि एग्जैक्ट कॉपीज बन करेंगे, और एग्जैक्ट कॉपीज माइटोसिस के जरिए से बनती हैं, मियोसिस के जरिए से नहीं बन सकती। एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल बीइंग रिप्लेस्ड, एग्जांपल हमारे पास है, वो कहते हैं कि सेल्स ऑफ स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। स्किन, जैसे हमारी बॉडी को कोई कट लग जाता है तो उस जगह के ऊपर सेल दोबारा डिवाइड करते रहते हैं, और वो हमारा जो कट होता है वो फिल्ड हो जाता है, एक टाइम आता है। तो बिल्कुल सेम ऐसे जैसे पहले होता है वैसे ही स्किन का बनना शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारे पास है सेल ऑफ स्किन एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक, एग्जांपल उसने रेड ब्लड सेल की दी हुई। रेड ब्लड सेल के अंदर देखें 120 डेज 4 मंथ इसका लाइफ स्पैन है, इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। और जो न्यू सेल रेड ब्लड सेल के बनते हैं दैट इज डन बाय द माइटोसिस, और सेम उनकी कंपोजिशन और नंबर उसके अंदर सेम ही आता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आती। अगर माइटोसिस ना होती और मियोसिस करवाते हैं तो उसके अंदर चेंजेस आ जाती, तो हर सेल एक दूसरे से डिफरेंट हो रहा था रेड ब्लड सेल। तो क्योंकि रेड ब्लड सेल का डिफरेंट होना ये बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन और नंबर उसको सेम रखना, क्योंकि उसके अंदर माइटोसिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस यहाँ पर होता है। उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? डेवलपमेंट बेसिकली बिफोर बर्थ जो प्रोसेस होता है हमारे पास, बिफोर बर्थ के जो प्रोसेस है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जाइगोट का बनना, जिसमें जाइगोट कैसे बनता है, जैसे मेल एंड फीमेल के स्पर्म एंड एग यूनाइट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जाइगोट बन जाता है। अब उस वो डेवलपमेंट है हमारे पास, जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है, तो वो डेवलपमेंट है। जैसे ही हमारे पास ये जो डेवलपमेंट, तो उसके अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट के अंदर भी माइटोसिस के जरिए से सेल अपने आप को चेंज करते रहते हैं, और स्केच जो होता है बॉडी का वो सेम बनता रहता है। जैसे ह्यूमन के अंदर एग्जाम्पल है, ह्यूमन की बॉडी का स्केच भी सेम बनता है। उसके बाद एक ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ बेसिकली आफ्टर बर्थ प्रोसेस को कहा जाता है, जिसमें हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं और हमारे ऑर्गन्स इंक्रीज होते हैं, जिससे उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो इसके अंदर भी हमारे पास बेटा माइटोसिस का प्रोसेस होता है। देखते हैं
द नंबर ऑफ द सेल विद इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। हमारी बॉडी के अंदर सेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहे हैं? माइटोसिस के जरिए से। दिस इज द बेसिस ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। एक जाइगोट से पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है, तो इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ग्रोथ ऑफ फिर उस मल्टी सेलुलर बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है और सेल इंक्रीज करते रहते हैं और ऑर्गन्स के ऑर्गन्स की लेंथ भी इंक्रीज होती रहती है, ऑर्गन्स इंक्रीज करते रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ। रीजनरेशन, रीजनरेशन बेसिकली कहते हैं इसमें एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। अपनी जो बॉडी के लॉस्ट पार्ट हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई उस बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो गए या लॉस्ट कर दिए उसने, तो वो जो डैमेज पार्ट है उसको दोबारा बना लेना, इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। रीजनरेशन है हमारे पास एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स बॉडी पार्ट्स। अब जो लास्ट, जैसे हमारे पास सी स्टार की एग्जांपल है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सी स्टार है, इसका कोई भी बॉडी पार्ट इसने लॉस कर, सपोज इसने इसको लॉस कर दिया, अब ये न्यू बॉडी पार्ट बनाएगी तो ये इजीली माइटोसिस के जरिए से इसको अपने जो है वो लॉस बॉडी पार्ट है उसको ये बना सकती है। तो दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन का प्रोसेस भी माइटोसिस के जरिए से होता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट इट्स बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स को ये रीजनरेट कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द सेल इज अचीव्ड बाय माइटोसिस, दैट सी बात है। उसने एग्जांपल दी हुई है सी स्टार की एग्जांपल, रीजनरेट इट्स लास्ट आर्म बाय माइटोसिस। उसका एक कोई आर्म अगर कोई लास्ट हो जाता है तो वो माइटोसिस के जरिए से उसको दोबारा हासिल कर लेती है। उसके बाद है हमारे पास पाँचवा इसका सिग्निफिकेंस लास्ट, वो है हमारे पास डियर स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली माइटोसिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, मेटिंग होती है उसके रिजल्ट में जायगोट और उसके बाद फिर न्यू ऑर्गेनिज्म डिवेलप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है कि जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट बॉडी डिवेलप हो जाती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली माइटोसिस के जरिए से होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल भी हम देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर, जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म आगे डेवलप हो रहा है। जब एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म आगे डेवलप होगा तो सेम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, उसके अंदर कोई मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा और सेम कॉपीज आगे ट्रांसफर हो जाएंगी और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑर्गेनिज्म की बन जाएगी, जैसे पेरेंट की पेरेंट बॉडी होती है। सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहते हैं। एग्जांपल उसने दी हुई है हमारे पास हाइड्रा की। हाइड्रा जो होता है डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रा हमारे पास, सपोज करते हैं कि हमारे पास हाइड्रा प्लांट है तो इसके ऊपर बर्ड्स बनते हैं इस तरह से। ये बर्ड सेल अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, ये बर्ड बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये बर्ड सेपरेट भी हो जाती हैं, सपोज हमारे पास ये लदा हो गई, अब इसके अंदर और बर्ड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इस तरह से, तो ये न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट प्लांट डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस। और इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए एसेक्सुअल बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, नॉ एक मतलब बायोलॉजी के अंदर नॉट नॉट सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल दो ऑर्गेनिज्म नहीं है इसके अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म से हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया है, जैसे हाइड्रा के अंदर हमने एग्जांपल, हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। बडिंग हमने आपको बता दिया कि सेल अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं और एक मैसेस ऑफ सेल बन जाता है, गुच्छा बन जाता है सेलों का, उसको हम बड कहते हैं। द सेल एट द सरफेस ऑफ द हाइड्रा अंडरगोस माइटोसिस, उसके अंदर माइटोसिस होती है एंड फॉर्म अ मैस, और एक सेल का मैस बन जाता है जिसको हम बर्ड कहते हैं। जैसे हमारे पास पोटैटो के ऊपर इस तरह से एक बर्ड बन जाती है, जैसे शुगर केन के ऊपर एक बर्ड बनती है, तो हाइड्रा के ऊपर भी इस तरह से किसी पार्ट के ऊपर बर्ड बन जाती है। फिर उसके अंदर सेल अपने आपको डिवाइड करते रहते हैं, वो सेपरेट हो जाती है, नेक्स्ट उससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। माइटोसिस कंटिन्यूस इन द सेल्स ऑफ द बर्ड, उसी बर्ड के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है और उसके अंदर नेक्स्ट सेल अपने आप को डिवाइड करता रहता है, लेकिन माइटोसिस के जरिए से होता है क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर माइटोसिस होती रहेगी, वही सेल अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं एंड इट ग्रोस इनटू न्यू इंडिविजुअल। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्लांट के अंदर प्रोपिगेशन, ये जो रिप्रोडक्शन के मेथड हैं दो तरीके से होते हैं, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, दूसरा प्लांट की बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। प्लांट की बॉडी की बात करें सॉरी, तो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होते हैं जिसमें वो पार्ट्स रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, मतलब उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दो होते हैं मेल एंड फीमेल। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इन्वॉल्व दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते बल्कि वो खुद ही डिवेलप, जैसे हमारे पास ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं एक्सेट्रा,
ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी हमारे पास डियर स्टूडेंट माइटोसिस का प्रोसेस होगा और उससे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। द सेम डिवीजन हैपन ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट। याद रखिएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारे पास ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उनको हम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे हमारे पास लीव्स एक्सेट्रा, लीव्स स्टेम ब्रांचेस वगैरह, तो वो हमारे पास कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में से रहते हैं, जैसे हमारे पास सीड फ्रूट वगैरह होते हैं प्लांट के बॉडी के ऊपर, फ्रूट वगैरह सीड वगैरह होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं ऑफ द प्लांट। तो ये वेजिटेटिव पार्ट के अंदर जो है वो किस तरह से अपने आप को न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर डियर स्टूडेंट माइटोसिस का प्रोसेस होता है और वहाँ से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, होप्स हो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एरर्स इन माइटोसिस को डिस्कस करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।